हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक स्पेशल व्लॉग बना रहे हैं। आपने वैसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज स्पेशल व्लॉग कौन सा होने वाला है, लेकिन बस आज का व्लॉग बनाने का मेरा था नहीं मकसद, बनाना नहीं चाह रहा था मैं। लेकिन लास्ट मैंने जो वीडियो अभी डालनी शुरू की है डेली व्लॉग की, उसमें आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों के व्यूज़ इतने, जैसे अभी मेरे लिए तो देखो 50 व्यू भी आने, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग की अभी 5-6 वीडियो डाली है मैंने और आप लोग हज़ार व्यू उसमें आ रहे हैं, 700-800 व्यू उस पर आ रहा है, तो मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी बात है। मान रहा हूँ कि वो बहुत कम व्यू है, वैसे कईयों के तो लाखों व्यू आते हैं, लेकिन मेरे लिए 1000 व्यू भी आना वो काफ़ी बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा आज का व्लॉग बनाने का मन तो नहीं था, इसलिए बना रहा हूँ मैं अभी। बस अभी जस्ट हम अपनी नई गाड़ी स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं और अभी मैं बस वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। शोरूम में यहाँ से कोई 5-7 मिनट का रास्ता बचा है और वहाँ पे पहुँच के आपको टैक्स मिलता है। और बाहुबली शेर भी हमारे साथ जा रहा है और हमारी थार में हम स्कॉर्पियो एन की जाके डिलीवरी लेंगे। पहले आपको बाहु दिखाता हूँ। बाहु, ये हमारा शेर बाहुबली बैठा हुआ है, ये भी जाके डिलीवरी लेगा गाड़ी की। अंदर तो शायद इसको अगर जाने देंगे तो अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन बाहर ही रखूंगा, तो गाड़ी में अगर हमने अलाउ किया तो अंदर ले जाऊंगा इसको। और स्कॉर्पियो एन जो मैं ले रहा हूँ, ये मैं हिमाचल से निकलवा रहा हूँ। हिमाचल से इसलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है यहाँ पे टैक्स वगैरह कम है, 1-1.5 लाख रुपये बच जाएगा अपना, तो बचाने की अपना कोशिश की है क्या, ताकि 1-1.25 लाख बच जाए। काफ़ी होता है 1 लाख रुपये यार बच जाए फ्री में, तो क्या जा रहा है। तो अभी बस इसको लेके सीधा निकलेंगे दिल्ली। अभी मैं थार भी लेके आया हूँ और स्कॉर्पियो एन भी दिल्ली लेके जानी है, दोनों गाड़ियाँ दिल्ली लेके जानी है। तो यहाँ पे एक मेरे भाई साहब दोस्त हैं, तो उनको बोला मैंने, एक वो गाड़ी वो लेके जाएंगे, एक गाड़ी मैं लेके जाऊँगा, तो सीधा दो गाड़ियाँ तो जा पाएंगी दिल्ली। वो मेरा दोस्त अभी आने वाला है, वो बाहू को देख के वो डरता है कि डरता, देखते हैं। तो कले किए जाना दिल्ली, इस बंदा तो होना सोगी ट्रिप नहीं खाता, वो बैठा सी तुम थोड़ी देर तो बैठा गांव तक तो बैठा। क्या हुआ, मैं रिकॉर्डिंग हो जा देखी करी, वहां मुझ मारते नहीं था। मैं चलाऊं, मैं कितना बैठूं, मैं चाहता हूं भाई। अभी शोरूम में पहुंच गए हैं, बस अभी गाड़ी अपनी रेडी हो रही है। अभी आज नवरात्रा का पहला दिन है तो काफ़ी सारी गाड़ियां डिलीवर होंगी आज, तो भीड़ बहुत है शोरूम में, आपको भीड़ दिखाता हूं। अभी टाइम ही बहुत लग रहा है, गाड़ियां इतनी ज़्यादा डिलीवरी के लिए हैं कि पूछो मत। बाहू को देखें, बाहू बैठा कि नहीं बैठा। सोरा अभी बहुत टाइम लगेगा, सोरा चुप करके। We'll be right back.
फाइनली अपन ने डिलीवरी ले ली है स्कॉर्पियो एन की और सीधा निकल गए हैं दिल्ली के लिए। अभी बस रास्ते में है, अभी अपनी धनो भी पीछे आ रही है अपनी थार। एक तो इसको बोलते हैं बिग डैडी, वो पीछे आ रहा है अपना बिग डॉन। स्कॉर्पियो इनको बोलते हैं ना बिग डैडी, तो बिग डॉन आपको दिखाता हूँ। ये देखो शीशे में दिख रहा होगा पीछे अपने वो थार आ रही है अपनी। अभी बस किसी ढाबे पे रुकते हैं क्योंकि 4 बज गए, डिलीवरी देते देते इन्होंने ना 4 बजा दिए। तो अभी जस्ट बस खाने के लिए रुके हैं और बाहू को घुमाना था, बाहू काफ़ी देर से घुमा नहीं है, उसको घुमा दे। देखो बाहू भली मारा शेर, आजा 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 शेर पक्का, आजा आजा। तो जस्ट अभी खाना वगैरह खा के ढाबे से निकल गए हैं। खाना भाई साहब क्या मस्त खाना था, मज़ा आ गया। देखने में तो ढाबा छोटा सा लग रहा था लेकिन जो खाना खाया था उसका लाजवाब खाना था, मज़ा आ गया खा के। पीछे थार आ रही है अपनी और आगे ये बिग डैडी स्कॉर्पियो हमारी चल रही है। बस अभी रास्ते में मज़े लेते हुए रास्तों के चले हुए हैं। दिल्ली तो अभी काफ़ी दूर है, दिल्ली पहुँचने में कम से कम हमें लगता है कि 1-2 तो बज ही जाएगा रात का। कोई बात नहीं, जो भी है देखते हैं। आपको मैंने पहले भी जैसे ब्लॉग में बोला था कि मैं आज की वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे को पता है मेरे को से जलने वाले लोग इतने हैं ना कि पूछो मत। अभी जैसे वीडियो अपलोड होगी तो मतलब इतने लोग तो जल ही जाएंगे देख के वीडियो को, क्योंकि उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या करता है बंदा, कहाँ से पैसे इसके पास आते हैं क्या है। लेकिन अपन को दुनिया की परवाह नहीं करनी, अपने बंदे का ये होता है, अपने बंदे जो है उनको टेंशन होती है, लेकिन कुछ लोग जो पराए ज़्यादा होते हैं ना उनको जलन होती है। कोई बात नहीं, जलने दो, दुनिया का मच दी मच लन दे। तो फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं। पूरे रास्ते में कहीं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि पूछो मत, बुरी हालत हो रही थी। अभी दिल्ली हम जब पहुंचे हैं तो सुबह के अभी 4 बज रहे हैं, 3:45 के आसपास का टाइम हुआ पड़ा है, तो 4 बजने वाले हैं। 1 बजे के चले हुए थे, 4 बजे पहुँचे हैं क्योंकि रुक रुक के आए हैं काफ़ी, क्योंकि भाव भी था और नींद भी इतनी आ रही थी कि कोई रिस्क नहीं लिया, इसलिए रुक रुक के आए हैं। कभी 1 घंटा रुक जाते थे, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट ऐसे ब्रेक ले लेके दिल्ली पहुँचे फाइनली। तो गाड़ी ने भी अपनी बढ़िया माइलेज दी है, मीटर में तो ये 16 के आसपास का दिखा रही है, पता नहीं 16 की एवरेज इसने दी कि नहीं दी। अभी मीटर दिखाता हूँ आपको, मीटर में 15.7 की दिखा रही है एवरेज। तो आज के व्लॉग को फाइनली यहीं पर ख़त्म करते हैं गाड़ी में ही, और जल्द ही मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, डेली व्लॉग में। और टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ राहुल धीमान व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।